पहला विधुर। विधुर जो है वो मर्म कान से संबंधित कही गई है, और विधुर मर्म का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो कम सुनने, बहरेपन से या कान की किसी भी समस्या से ग्रसित है। मैंने इसका एक सफल प्रयोग अपने जीवन काल में देखा है। कई बार हम लोग खट्टा और ठंडा खाने की वजह से टॉन्सिल्स की समस्याओं से भी ग्रसित हो जाते हैं। मर्म के पिता कहे जाने वाले विद्वान ऐसा मानते हैं, मर्म की खोज करने वाले विद्वान ऐसा मानते हैं कि विधुर मर्म गले की बहुत सारी तकलीफों के लिए। पिछले दिनों कोरोना काल में इस मर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार भी हुआ है। उन लोगों ने माना है, आयुर्वेद उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर सुनील कुमार जोशी जी को ये श्रेय जाता है कि वो मर्म स्थानों को चिकित्सा के क्षेत्र में लेकर आए। इससे पूर्व केवल इस विधा को मारण विधा कहा जाता था, या महर्षि सुश्रुत ने जो बताया है उन्होंने ऐसा वर्णन किया है सुश्रुत संहिता में कि ये मर्म स्थान शल्य चिकित्सा के दौरान इनको अवॉइड करना है, इन पर कोई आघात नहीं होने देना है, इनको बचा कर रखना है। लेकिन डॉक्टर सुनील कुमार जोशी और उनकी टीम ने इस पर जो कार्य किया उसको आज बहुत सारे विश्वविद्यालयों में बताया और समझाया और पढ़ाया जा रहा है, और वो आज के इस समय में जब आधुनिक चिकित्सा एक सामान्य मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। क्यों? क्योंकि वो खर्चीली, अत्यधिक खर्चीली है और उसका दुष्प्रभाव भी है। तो ऐसे समय में ये मर्म विधा, ये मर्म चिकित्सा एक संजीवनी का रूप लेकर इस मानव जाति के लिए सामने आई है। जो व्यक्ति सेरेब्रल पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पोस्ट पोलियो पैरालिसिस जैसी समस्याओं को देखता है, जानता है या उनसे ग्रसित है, उसके लिए आधुनिक विज्ञान में चिकित्सा कराना बहुत खर्चा वाली स्थिति है। इसलिए मर्म चिकित्सा बेहद सरल, सुलभ और प्रत्येक मनुष्य की पहुंच तक आसानी से जा सकती है। हम बात कर रहे थे चेहरे की, मर्मों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग चेहरे की मर्म की चर्चा कर रहे थे, और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं विधुर के रूप में। कान की ये जो लटकन है इसके ठीक पीछे एक गड्ढा होता है, और वो गड्ढा हमारे अंगूठों के साइज का होता है। जैसे अपांग, स्थपनी इंडेक्स फिंगर से प्रभावित की जाती है, उसी प्रकार विधुर मर्म को दोनों हाथ के अंगूठों से दबाया जाता है, क्योंकि जो गड्ढा है वो अंगूठों के साइज का है, और उसको जब हम दबाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो दबाते समय जैसे ही दबाया है तो ये वो स्थिति है जब सुनना कम हो गया है, और हटाते ही फिर सामान्य सुनाई देने लगा है। तो दबाव इस प्रकार का हो कि जब दबाए हैं
तो थोड़ा सा सुनना कम हो जाए। विधुर मर्म को वैसे तो नाक कान गले के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन विधुर हमारे कान की समस्त समस्याओं के लिए, कम सुनना, बहरापन, जन्म से ना हो, जन्म से बहरेपन को के लिए इस मर्म का प्रयोग काफ़ी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी चोट के कारण या किसी दूसरे इन्फेक्शन या बाकी चीज़ों की वजह से, तो उसमें यह मर्म बहुत लाभ करता है। पिछले दिनों कोरोना कालखंड में जो गले में समस्याएं रही, उसमें विधुर मर्म अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हम लोगों ने पूरा उस समय इस मर्म के ऊपर बहुत सारा कार्य किया, बहुत सारे जो कोरोना से ग्रसित लोग थे उनको उसका समझाया बताया, और उनका ऐसा मानना है कि ये गले की दुखती हुई अवस्था में बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो विधुर मर्म हम लोगों को उस परिस्थिति में भी काफ़ी स्तर तक लाभकारी सिद्ध हुआ है। अब आते हैं हम लोग नाक से संबंधित मर्म के ऊपर। उसको कहा जाता है फणा मर्म। फणा जो है वो नाक और होठ जहाँ मिलता है वहाँ दो, जैसे बर्तन होता है, बर्तन की ऊपर की तरफ किनारी होती है गोल, उस किनारी के जैसा यहाँ हड्डी है और ये छोटी अंगुली के साइज का है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक हम लोग छोटी अंगुली से नाक और होठ पर जो जगह है वहाँ इसको रखें और ढूंढ लें। तो हमें यहाँ बर्तन जो होता है मिट्टी का बर्तन या दूसरा बर्तन मेटल का, उसके किनारी होती है, उस किनारी के जैसी संरचना यहाँ मिलती है और जैसे ही हम दबाते हैं तो किनारी के अंदर हाथ चला जाता है, अंगुली चली जाती है और वहीं रुक भी जाती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये इसका तरीका है। साइनोसाइटिस, सूंघने की समस्या, श्वास से संबंधित, नाक बंद होने की समस्या, नाक से संबंधित समस्या, गंध का न आना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गंध का न आना, तो ये सारी चीज़ें, इन सब तकलीफ़ों के लिए फणा मर्म काफ़ी लाभदायक है। और एक और विज्ञान, एक और प्रिंसिपल यहाँ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ दो चीज़ें हैं, एक सेल्फ मर्मा थेरेपी। सेल्फ मर्मा थेरेपी में हम लोग स्वतः इस सिस्टम को जानकर और इसको स्वतः अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। दूसरा है रोगी के ऊपर चिकित्सा। जब हम रोगी की चिकित्सा कर रहे होते हैं उस समय जो मातृ शक्ति है उनको जब हम लोग चिकित्सा शुरू करते हैं, मान लीजिए किसी के हाथ को ऊपर उठने में प्रॉब्लम है या फ्रोजन शोल्डर है या सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस है, तो हम उनके बाईं ओर से, बाएं हाथ से या बाएं पैर से चिकित्सा प्रारंभ करेंगे। और जिसको अगर हम पुरुषों में करते हैं तो हम दाईं ओर से चिकित्सा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि शास्त्र ऐसा मानता है कि मातृ शक्ति हमारा वाम अंग है, ये कारण कहा गया है कि हम महिलाओं में बाईं ओर से और पुरुषों में दाईं ओर से चिकित्सा प्रारंभ करते हैं। दो स्थान और विशेष कहे गए हैं चेहरे के ऊपर, उनको संग्राटक, ये दो स्थान
पहला स्थान जो नाक है वो नीचे के ऊपर वाले होठ पर जहाँ आकर ख़त्म होती है, बिल्कुल इंडेक्स फिंगर से उसको वहीं से 1, 2, 3, 4, 5। और दूसरा स्थान जो है हनु के ऊपर, जो हमारी ठुड्डी है उसके ऊपर, ये जो गड्ढा है उसको दबाया जाता है। इन दोनों के दबाने से, इस संग्राटक मर्म के दबाने से जीभ, मुंह और जो बोलने का पूरा सिस्टम हमारा है वो उनको लाभ मिलता है। लार बोलते बोलते आना, मुंह से लार लगातार आना, आपने देखा होगा सेरेब्रल पल्सी या मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जो पेशेंट्स हैं उसमें लगातार लार आती रहती है। उस लार को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों मर्म स्थान दबाए जाते हैं, स्टिमुलेट किए जाते हैं। अब आती हैं कान के आसपास की कुछ मर्म और सिर के ऊपर की कुछ मर्म, जैसे शंख, आवृत, ये सब कान के इस हिस्से में होती हैं। लेकिन मर्म के विद्वानों का ऐसा मानना है कि सामान्यतः बिना किसी कारण के उनको नहीं छेड़ना चाहिए। जैसे सेल्फ मर्म चिकित्सा में हम लोग अपनी सभी मर्म स्थानों को, लेकिन यहाँ नहीं करते बिना किसी कारण, और जब ज़रूरत पड़ती है तो कंट्रोल प्रेशर के साथ हम वहाँ जाते हैं। कंट्रोल प्रेशर क्या होता है? ये जो अंगूठे के नीचे का हिस्सा है दोनों हाथ का, उसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं और चार अंगुलियाँ सर के ऊपर रख लेते हैं। अब दोनों तरफ चारों अंगुलियों से भी और हथेली के इस हिस्से से भी एक साथ प्रेशर देते हैं, तो इसको कंट्रोल प्रेशर कहा गया है। और ये दोनों ओर, यहाँ भी और यहाँ भी, इक्वल प्रेशर देता है। तो इन मर्मों को इस प्रकार हम लोग प्रभावित कर सकते हैं। कुछ गर्दन से ऊपर की महत्वपूर्ण मर्मों की हमने चर्चा की। ऐसा माना जाता है कि इन मर्म स्थानों के ऊपर आघात होना अत्यंत घातक हो सकता है। जहाँ हमारी गर्दन हमारे धड़ से मिलती है पीछे, वहाँ एक मर्म होती है जिसको कर्काटिका मर्म कहा जाता है। कर्काटिका के ऊपर अनावश्यक रूप से आघात होना बहुत नुकसानदायक हो जाता है। हमारा इतिहास में अनेक ऐसे वर्णन मिलते हैं जो मर्म के ऊपर ही जिनको का जिक्र आता है। मैं प्रारंभ करना चाहूँगा एक बार राजा दशरथ, शब्द भेदी बाण चलाने वाले कहे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि वो आवाज़ सुनते ही उस स्थान को भेदने में समर्थ थे। एक बार वो शिकार के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक आवाज़ आई जो किसी पानी पीने, किसी जंगली जानवर के पानी पीने जैसी थी। उन्होंने तुरंत शब्दभेदी बाण चला दिया, लेकिन जैसे ही वो बाण वहां जाकर लगा तो वहां से मनुष्य की आवाज आई। राजा दशरथ घबरा गए और तुरंत वहां पहुंचे। आप सब इस घटना से परिचित होंगे। वहां जब वो पहुंचे तो वहां श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए
जल लेने गए थे और जल जब जल के पात्र में पानी भर रहे थे तो हवा बाहर निकलने की वजह से वो आवाज़ आई। जब राजा दशरथ वहाँ गए और उन्होंने देखा कि ये श्रवण कुमार को तीर लग चुका है तो उन्होंने उसको निकालना चाहा, लेकिन ना श्रवण कुमार ने तुरंत रोक दिया, नहीं राजन ये आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इसको निकाल देंगे तो अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि यह तीर मेरे मर्म स्थानों को भेदता हुआ अंदर गया है, ये पानी लीजिए और मेरे माता पिता तक पहुंचा दीजिए। ऐसी ही कुछ अन्य घटनाएं भी हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण आराम से अपने विश्राम के समय में पैर फैलाकर पैर के ऊपर पैर रख के लेटे हुए थे और एक बहेलिए ने के तीर जब चलाया तो वो उनके पैर के तलवे में लगा। ऐसा माना जाता है कि उस तीर के लगने से उनकी मृत्यु हुई। मर्म विज्ञान के जानकारों का मानना है कि उस स्थान को तल हृदय मर्म कहा जाता है और उसी तल हृदय मर्म पर श्री कृष्ण को तीर लग चुका था और जो उनकी प्राणांत का कारण बना। कभी कभी कॉटन की बर्ड्स या छोटी कंकर हमारे जूते में आ जाती है और वो हमारे पैर के तलवे के नीचे आ जाती है, वो मजबूर कर देती है मनुष्य को एडी उठाकर चलने के लिए। इतना अधिक पेनफुल मर्म कहा जाता है तल हृदय मर्म को। एक बार हमने अपने पुलिस वाले मित्रों से पूछा, आप अपने पेशेंट को लिटाकर उसके पैर पर डंडा क्यों मारते हैं, तो उनका जवाब था कि वो सब कुछ सच सच उगल देता है क्योंकि वह स्थान अत्यधिक दर्द वाला है, जब वहां डंडा लगता है तो बहुत तकलीफ होती है। ठीक वही स्थान पैर का तल हृदय मर्म कहलाता है। एक और किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। प्रभु यीशु, उनको जब सूली पर टंगाया गया तो उनके हाथ के, ये जो हमारा हाथ है जहाँ हम बिल्कुल बीचों बीच तल हृदय होता है और उसमें नोकिंग की गई दीवार, उस पर जब सूली पर टंगाया गया तो दोनों हाथ ऊपर करके वहाँ कील ठोक दी गई और पैरों के तल हृदय में भी कील ठोक दी गई और धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि इसी नोकिंग से उनकी मृत्यु हुई। और भी वर्णन है, प्रभु श्री राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो विभीषण जी ने बताया कि हे पुरुषोत्तम श्रेष्ठ, उनकी नाभि खुली है जिसको महामर्म कहा जाता है और भगवान श्री राम ने उसी महामर्म को भेदने के लिए तीर चला दिया। महामर्म पर आघात निश्चित रूप से मृत्यु का कारण हो सकता है। हम लोगों के शास्त्रों में इस प्रकार के अनेक वर्णन मिलते हैं। इसलिए एक विद्वान मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने मर्मों की रक्षा करे। इसी मर्म चिकित्सा से स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन, रोग निवारण
हम लोगों को इसकी प्राप्ति होती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं दोनों हाथों में स्थित मर्म की। हम लोगों ने अभी तल हृदय को जाना, एक बार उसको और करीब से जानते हैं। जब हाथ को फैला लेते हैं इस प्रकार, तो बड़ी अंगुली जो है धीरे धीरे सभी उंगलियों को मोड़ते हैं और बड़ी उंगली को वहीं छोड़कर बाकी उंगली को उठा लेते हैं। जो बड़ी उंगली है उस स्थान को तल हृदय मर्म कहा जाता है। ये नापने का तरीका है, एक और तरीका है। ये जो बड़ी उंगली है इससे बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ करते हैं और तीन उंगली के बाद इधर इसको ड्रॉ करते हैं। सीधी लाइन को ये दूसरी लाइन जहां काटती है वो ही तल हृदय मर्म है। ये दोनों हाथों में होता है और अंगूठे की सहायता से 1, 2, 3, 4, 5 अंगूठे की सहायता से इस मर्म को हम लोग दबाते हैं और तल हृदय का इतना अधिक, तल हृदय के स्टिमुलेशन से इतना अधिक लाभ हम लोगों को मिलता है, उसकी चर्चा आप करेंगे। एंजाइना पेन, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, हृदय शूल, हाई बीपी, लो बीपी, इन सब समस्याओं में, हृदय रोगों में, इन सभी के लिए तल हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी जो बहुत दूर के क्षेत्र है, पहाड़ का क्षेत्र हुआ, दूर के गांव का क्षेत्र हुआ, उनमें अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं होती, अच्छा हॉस्पिटल नहीं होता। तो कभी ऐसी जगहों पर यदि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाए तो पैरालिसिस होने का खतरा रहता है। यदि कोई मर्म का जानकार उस समय तल हृदय दबा दे तो व्यक्ति पैरालाइज्ड होने से बच जाता है। हमारे संस्कृति में सामान्य बेहोशी आ जाने पर हाथ के तलवों पर मालिश की जाती है, दोनों हाथ के तलवों पर मालिश की जाती है। बहुत बड़ा विज्ञान है ये, क्योंकि इस मालिश के करने से क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे शरीर में हम इस छोटे से स्थान पर मालिश करने से ऊर्जा पहुंचा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटे से स्थान पर मालिश करने से हम पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंचा दें और बेहोशी दूर हो जाए? लेकिन ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ हम उस स्थिति में तल हृदय को स्टिमुलेट कर देते हैं और वह बेहोशी दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। हम लोगों ने चर्चा की समस्त हृदय रोग, एंजाइटी, इन सब में तल हृदय मर्म
को महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा मर्म है छिप्र मर्म। अब हम लोग दोनों हाथों के मर्मों की चर्चा कर रहे हैं। छिप्र आप देख रहे हैं, ये जो इंडेक्स फिंगर है इसमें ये यहाँ बिल्कुल सीधा जब आएंगे यहाँ तक आ जाते हैं। दूसरा अंगूठे के साथ यहाँ आ जाते हैं और यहाँ ये जो जगह आप देख रहे हैं बिल्कुल अंगूठे के साइज की कही गई है। इसको छिप्र मर्म कहा जाता है। छिप्र मर्म हमारे हाथों की दोनों हाथों में, दाएं हाथ में और बाएं हाथ में, दोनों हाथों में होती है। छिप्र का सीधा संबंध हमारे गले के रोगों के लिए भी होता है। मैंने आपको बताया कोरोना कालखंड में जब विधुर का लाभ बताया जा रहा था तो उसी समय विधुर के साथ छिप्र मर्म को भी दबाने के लिए कहा गया था। यह दोनों मर्म हमारे गले के रोगों के लिए कही गई हैं। गले के रोगों के साथ साथ छिप्र मर्म इस पूरे हाथ की अकड़न जकड़न को भी दूर करती है, अर्थात हमारे हाथ के स्टिफनेस को दूर करता है। तो ये जो छिप्र है, हम इन दो विशेष कारणों से इसका प्रयोग करते हैं। हमारी दादी नानी वो सब लोग इस छिप्र के स्थान पर थोड़ा तेल लगा लेते थे और फिर धीरे धीरे अंगूठे की सहायता से मसाज करते थे। तो उनका ऐसा मानना था कि गले के समस्त रोगों में ये लाभ करता है। महर्षि सुश्रुत ने भी सुश्रुत संहिता में इन मर्मों की चर्चा की है। छिप्र के बाद हम एक महत्वपूर्ण मर्म की चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति में कलावा बांधने का एक जब भी शुभ अवसर आता है, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो पूजन हो, चाहे वो यज्ञ हो, तो उस समय कलावा बांधते हैं धागा। वो उसी स्थान पर होता है जिसको मणिबंध कहा जाता है। मणिबंध ये जो कलाई होती है जहाँ से मुड़ती है, ये ठीक वही स्थान है। हम लोग क्या करते हैं, अंगूठा इंडेक्स फिंगर का एक ऐसा कर्व बनाते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं और उसको क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा भी घुमा लेते हैं। ये जो कर्व है इसको नीचे से लाते हैं हथेली के साइड और ये पीछे यहाँ आपको ऐसे दिख जाएगा। ये तरीका होता है मणिबंध को। मणिबंध का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क के कार्यों से होता है। तो मस्तिष्कीय कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हो इसके लिए मणिबंध कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क शांत रहे, हमारा मस्तिष्क कि निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहे, इसलिए मणिबंध का प्रयोग किया जाता है। अब मणिबंध से ऊपर जो जहां से हमारा ये कोहनी मुड़ती है, ये मुड़ रही है उस स्थान, ये कोहनी मुड़ गई है इस स्थान से नीचे की तरफ। कितना नीचे, मैंने बताया था मर्म अंगुल से नापते हैं, चार अंगुल पर। ये चार अंगुल मेरे होने चाहिए क्योंकि मर्म भी मेरा है। जब मैं किसी बच्चे की मर्म, इंद्रवस्ती मर्म दबाने जाऊंगा तो ये चार अंगुल उस बच्चे के होने चाहिए। हो सकता है कि उस बच्चे के चार अंगुल मेरे दो अंगुल के बराबर हों या तीन अंगुल के बराबर हों। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी
वयस्क व्यक्ति के चार अंगुल मेरे चार अंगुल से बड़े हों, मेरे अंगुल पांच हों और उनके चार हों। मोटी अंगुलियां हो सकती हैं, तो अंगुली अंगुल उसी के हों, अंगुलियां उसी की हों जिसका शरीर पर हम लोग चिकित्सा दे रहे हैं। तो चार अंगुल पर हाथ सीधा रखें, यहाँ होता है बिल्कुल सेंटर में इंद्र बस्ती। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंद्र बस्ती मर्म इंद्र, इंद्र कौन है? जल के देवता। जल शरीर में जल की स्थिति को कंट्रोल करने का एक सिस्टम है इंद्र देव के अधीन। तो हम उस सिस्टम को इंद्र देव को ही समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं इस मर्म स्टिमुलेशन के द्वारा कि वो सब कुछ सिस्टम ठीक रहे। आपने देखा होगा बहुमूत्रता, एक उम्र के बाद प्रोस्टेट बढ़ जाने के या किसी अन्य कारण से बार बार पेशाब आता है। ये बीमारी हमारे बुजुर्गों में, दादा दादी में देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में जब हम लोग उस मर्म को दबाते हैं तो वो बहुमूत्रता में बहुत लाभ करता है। छोटे बच्चे जब वो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भी इंद्र बस्ती फायदेमंद है। दोनों हाथों में कोहनी से ठीक चार अंगुल की स्थिति पर इंद्र बस्ती होता है। समस्त मूत्र विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक कि बर्निंग मिक्चुरेशन में भी इंद्र बस्ती की सहायता ली जाती है। आज हम लोग विश्व में नंबर वन पर हैं अगर हम लोग मधुमेह को लें। कुछ देश हमारे राष्ट्र को मधुमेह की राजधानी कहने लगे हैं। हमारा खान पीन ऐसा है, हमारा कार्य रचना ऐसी है, तो मधुमेह के ऊपर काम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। नंबर दो पर आता है मोटापा। आज हमारे बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है उसको मोटापे की अनेक बीमारियां, मोटापे से संबंधित अनेक बीमारियां घेर रही हैं और आज हम पेट की बहुत सारी समस्याओं से भी ग्रसित हैं। इन तीनों समस्याओं का समाधान मर्म के पास बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से कूरपर मर्म के पास मिल जाता है। कूरपर मर्म हमारे दोनों हाथों में, हमारे दाएं हाथ में भी और बाएं हाथ में भी होती है। हाथ को सीधा किया जाता है, दाएं हाथ में और बाएं हाथ में ठीक एक जगह होती है। जब हाथ को फैला लेते हैं, सीधा रहता है, तो जो छोटी अंगुली है, छोटी अंगुली के साइड में कोहनी जहां मुड़ती है उससे एक अंगुल नीचे अंगूठे से हम लोग उसको दबाते हैं। छोटी अंगुली के साइड हो गया। अब अंगूठे के साइड हम लोग चलते हैं,
ये कर्व मर्म में अनेक जगह बनाया जाता है, जैसे यहाँ बनाया गया था, जैसे यहाँ बनाया गया था, ऐसे ही अब हम इसका प्रयोग यहाँ भी कर रहे हैं। जो छोटी अंगुली के तरफ ये हमारी मर्म है, वहाँ इस कर्व को यहाँ रख देते हैं, और जो बड़ी अंगुली है वो दूसरे छिप्र के ऊपर चली जाती है। ये तय है, ये मपा हुआ है, बड़ी उंगली ठीक वहाँ चली जाती है। तो जब सेल्फ मर्मा थेरेपी करते हैं तो हम उसे बड़ी उंगली से ही दबा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी, कोहनी के नीचे जहाँ ये आपकी हड्डी निकली हुई है, आप देख सकते हैं छोटी उंगली के साइड में ये हड्डी निकली हुई है, और इस हड्डी से एक अंगुल, ठीक एक अंगुल नीचे अंगूठे से उसको दबाया गया है, और दूसरी तरफ कर्व यहाँ लगाकर अंगुली से दबा देते हैं। तो ये दोनों हाथ में होने के कारण संख्या में चार कहलाती हैं छिप्र मर्म। हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि छिप्र का लाभ अनेक रूप से हमें किस प्रकार मिलता है। इसी श्रृंखला में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, चयापचयक्रिया में भी मर्म सहायक है। चाहे डायबिटीज नामक महामारी हो, चाहे मोटापा ने हमें घेरा हो, चाहे पेट से संबंधित बीमारी हो, इन सब में एक साथ छिप्र मर्म हमें लाभ देती है।